श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कल के प्रसंग में अंत में हमने देखा तीन प्रकार के ममता। एक है सात्विक ममता, दूसरी है राजसिक और तामसिक ममता। कौन कौन है महात्मा लोग? तीनों लोग। एक है अर्जुन, राजसिक ममता के लिए दुर्योधन, और तामसिक ममता के लिए धृतराष्ट्र। अच्छा, ममा ममा यदि गायंती कथयंती, ठीक है। और अभी देखिए, हम नाइन्थ श्लोकास वी स्टडीड नो। तो अभी एक फर्क हमने देखा है, अंतर दुर्योधन और अर्जुन में। अर्जुन लोगों के भलाई के लिए धर्म युद्ध करना चाहता है, और दुर्योधन खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, दूसरों को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दुर्योधन जाके बताया कि पहला गुरु का अपमान किया है कि नहीं, दुर्योधन द्रोणाचार्य जी का अपमान किया। तो इसके बाद तो भगवान भीष्मश्च आप भी है, कर्ण भी है हमारे साथ, और इसी प्रकार अनेक प्रकार के बाकी योद्धाएं भी हमारे साथ है। नाना शस्त्र परणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, सब अपने अपने शस्त्र उठाकर बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, धारण करे हुए हैं, किए हुए हैं, और सभी लोग युद्ध में बड़े युद्ध नैपुण्यम माने प्रभाव दिखाने वाले हैं। और इसके बाद दसवीं श्लोक में ये कहते हैं भगवद्गीता, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हे द्रोणाचार्य जी, अब देखिए ये कह रहे हैं कि सेनापति कौन है? द्रोणाचार्य। और दुर्योधन कहते हैं हमारी जो बल है कुरुसेना का बल, अब ध्यान से सुनना, यहां पे बताया कि भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी जो सेना है, तो इसका बल जो है बल अपर्याप्तम, अपर्याप्तम माने बहुत काफी है, इनफाइनाइट लिमिट अनलिमिटेड, जितना हमारी सेना भी बड़ी है और हमारे सारी ये सेना है, इसके जो अधिष्ठाता अधिष्ठात्र रूप में जो बैठे हैं, इसका जो मुख्य योद्धा कौन है? भीष्माचार्य जी।
तो भीष्माचार्य के द्वारा हम इन्हीं के अंडर में, उन्हीं के द्वारा हम हमारे रक्षा भी हो रही है, और इनके अंडर में जो है, अंदर में जो बल है अपर्याप्तम माने बहुत काफी है। तो इसीलिए उनकी आशीर्वाद से हमारे सेना सब प्रकार के अजय भीष्माभिरक्षितम अपर्याप्तम तदस्माकं बलम, और पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, भीम द्वारा अभी रक्षित किए गए उनके जो सेना है, भीम उनका रक्षक है, किनका, पांडवों का, पांडवों का जो बल है जो भीम द्वारा रक्षित की जा रही है माने रक्षा की जाने के, उसकी रक्षा जो भीम कर रहे हैं वो सारे पांडव सेना है, वो पांडव सेना पर्याप्तम, इसका इनका बल जो है पर्याप्तम माने लिमिटेड। तो हमारी सेना का बल ज्यादा है और उनका तो ठीक है, तो इसीलिए पांडवों की सेना जो है पर्याप्तम थी इदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, ये एक हुआ अर्थ। एक अर्थ इसका हुआ कि हमारी सेना अपर्याप्तम और उनकी सेना पर्याप्तम, एडिक्वेट नॉन एडिक्वेट। इसका दूसरी अर्थ भी है, दूसरा अर्थ ये है कि इनका संस्कृत में देखिए, मेजरेबल और इमेजरेबल में आप बताइए। आप देखिए दूसरी है पर्याप्तम माने सफिशियंट, अपर्याप्तम माने नॉट एनफ। पर्याप्त माने क्या है, अब ये पर्याप्त है माने काफी है, बस भर गया पेट, भर गया पर्याप्त। अपर्याप्त माने नहीं भरा, पूरी नहीं हुई, कुछ रह गया, जहां पे शेष रह गया उसको हम कहते हैं अपर्याप्तम। अब गुरुदेव कहते हैं कि ये व्यास जी की जो संस्कृत पोएट्री में जो ब्यूटी है देखिए, तो इन्हीं के शब्दों के द्वारा कुछ खेल खेल रहे हैं। अभी दुर्योधन के मन में पहला एक पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, अभी स्थूल रूप से देखा जाए उसका अर्थ क्या है, भीष्माचार्य के द्वारा रक्षित की गई हमारी जो सेना है, इसका बल है, सेना के जो बल है ये पर्याप्त है, अपर्याप्त माने अनलिमिटेड है, बहुत काफी है, और हमारी सेना भी ज्यादा है, उनके साथ अक्षर होनी हमारी गहरा, तो काफी सेना है, काफी है, और हमारे कमांडर जो है, हमारे कमांडर इन चीफ है, दो तो द्रोणाचार्य है, हम सबसे बड़े आदमी जो है, बुजुर्ग आदमी जो है, हमने देखा है महाभारत में जैसे 16 साल के नवयुवक जैसे युद्ध किया भीष्माचार्य जी, पलंग मारते मारते योद्धा में, युद्ध भूमि में, शत्रुपक्ष पांडवों के युद्ध कर रहे हैं तो शत्रु लोगों को दिखाई नहीं देते भीष्माचार्य जी, कभी एक क्षण यहां उस दूसरे क्षण वहां, तो ऐसे जो भीष्माचार्य, वैसे इसी तरह द्रोणाचार्य भी युद्ध किया, हमने महाभारत में देख चुका है द्रोणाचार्य जी का उम्र शरीर जोड़ते समय 400 साल थी, और इनसे भी बड़े भीष्माचार्य जी, अलग अलग प्रकार के हैं, मगर महाभारत में दिया है उसका भी फिर अलग अलग से बात कर सकते, पर भीष्माचार्य इनसे भी बड़े माने कम से कम 500-600 साल से होंगे। तो अपर्याप्तम तदस्माकम, ये तो है, और दूसरी तरह से बता रहे हैं कि प्रभो हमारी सेना भीष्माचार्य जी है तो भी अपर्याप्त माने काफी नहीं है, कमजोर है हम, और ये सेना जो है संख्या में कम है मगर बल में और ताकत में ज्यादा है, ऐसा ये उनका जो डर है उसका भी वो प्रकट कर रहे हैं। देखिए भीष्माचार्य जी है फिर भी ये दुर्योधन महाराज सोचता है कि भीष्माचार्य जी है फिर भी हमारे हमारी जो सेना की जो बल है वो कम है, देखिए संख्या में ज्यादा है और कौन है, भीष्माचार्य जी है, तो भी इनको मन में डर जो है वो तो चला गया नहीं।
डर अभी भी है, इसका अर्थ यह है। पर्याप्तम तिदमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम, तो भीम के द्वारा जो रक्षित की गई उनके उनको रक्षित किया जा रहा है, वो पांडवों की सेना का जो बल है वो तो पर्याप्त है, वो काफी है, वो ठीक है। हमारे पक्ष में भीष्माचार्य जी है तो भी हमारा बल कम है। देखिए इसका मैंने एक हिंदी का इंग्लिश का शब्द प्रयोग किया, आप ठीक से उनको अनुवाद नहीं किया, मैं बोला आज पूछूंगा। प्रैटलिंग प्रलाप करना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रलाप करना, अभी याद आ गया मेरे को, प्रलाप करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम सबको हिंदी क्लासेस दे देना, प्रलाप करेक्ट। अभी मैं यूज कल से यूज सोच रहा हूँ, गुजर रहे हैं मगर मन में गूंज रहे हैं, आए ने बाहर। प्रलाप करेक्ट, प्रलाप करना। तो ये जाके अभी भी प्रलाप कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या बात कर रहे हैं युद्ध से पहले। तो फिर बोलते इमीडिएट तुरंत बोल रहे हैं, फिर द्रोणाचार्य जी की ओर देखा, जो बोलना था बोल दिया, फिर बाकी सेना की ओर देखा, और देखिए आजू बाजू जो लोग है सब सुन रहे इनके, है ना, और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे सबसे, आज्ञा दे रहे हैं अपनी सेना को, क्या कर रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब देखिए सबसे कह रहे हैं अयनेशु, अयनेशु माने अपने अपने मोर्चों, युद्ध के जो बैटालियन जो होता है ना, कॉर्डन ऑफ एरिया जो होते हैं, अपने अपने जगह पे खड़े रहो, हिलना नहीं मोर्चे, तो अपने अपने मोर्चों पर बैठो माने खड़े रहो, डटे हुए लड़ना है, हिलना नहीं वहां से। आपका जो यथा भागम अवस्थिताः अयनेषु, ये सारे भी इतने बहुत सारे मोर्चों हैं, क्योंकि बटालियन में विभाग है, भाग है, विभाग है, फिर उससे भी छोटे छोटे भाग है, रथी महारथी अर्थरथी, सबके अपने अपने सेना है। तो अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम, आपको दी गई जो स्थान है वहीं पे खड़े रहो, डटे हुए युद्ध करो। देखिए और आप सबकी एक जो लक्ष्य जो है एक ही है, लक्ष्य क्या है, भीष्माचार्य जी की रक्षा करते रहो। आप देखिए सभी लोग आए हैं युद्ध में युद्ध करने, इसीलिए कि भीष्माचार्य जी है, भीष्माचार्य जी हमारी रक्षा करेंगे। देखिए भीष्माचार्य जी है हमारे रक्षा करेंगे, हम मौत से बच जाएंगे, हम भीष्माचार्य जी आगे करके युद्ध करेंगे, भीष्म पितामह है, हम कौन है इनके सामने, ऐसे सोचकर सब लोग आ गए युद्ध में। सभी राजा लोग छोटे मोटे जितने सबको इकट्ठा किया ना ये 14-13 साल में, एक ही काम था दुर्योधन का, तो इन सभी राजाओं को इकट्ठा किया, वहां खड़ा कर दिया युद्ध भूमि में, और सबसे ये कह रहे हैं आपका एक ही लक्ष्य है युद्ध में होनी चाहिए, क्या है, भीष्माचार्य की रक्षा करो। भीष्माचार्य जी हंस पड़े होंगे, अब ये बेवकूफ बच्चे हैं जो मच्छर जैसे हैं, मक्खी जैसे हैं, ये सारे सेना उनके सामने है और उनकी रक्षा। आपने सुना होगा भीष्माचार्य जी का चरित्र, मैंने तो महाभारत में हमने देखा है कि जब गंगा जी ले गई थी ना उनको, फिर वापस बोल रही कि मैं शिक्षा देके फिर आपको भी एक दिन प्रदान करूंगा, वापस सौंप दूंगा, तब तक मैं ये बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। तो शंतनु महाराज गए एक दिन जंगल में घूमते घूमते,
शिकार के लिए। जब शिकार गए वहां उन्होंने देखा कि गंगा जी में पानी सब बिल्कुल नहीं है, सूख गई गंगा, याद आए आपको? तो देखा कि गंगा जी नहीं है बिल्कुल, तो फिर उसी मार्ग को पकड़कर चलते चलते ऊपर चल रहे हैं, मैं गंगोत्री की ओर। तो वहां देखा एक 5 साल का बालक धनुष पकड़कर गंगा जी को रोक दिया बाण से, बाण से एक बनाया दीवार बनाया, बाणों का दीवार बना के उसको रोक दिया गंगा जी को। तो ये तो आश्चर्यचकित हो गए शंतनु महाराज, बोले देखिए ये कौन है लाड़ा बच्चा। तो गए जाए जान जब जाके बात करना चाहते थे, पास में गए, बालक तू कौन है, इसी में अंतर्धान हो गया वो। फिर उनको याद आया कि यही मेरे बच्चा होगा क्योंकि गंगा जी को रोक दिया। फिर गंगा जी का फिर वापस प्रकट किया, गंगा जी दर्शन दी, फिर बोले कि देखो ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम ले लो अभी। मैंने उनको वेद सुना दिया, सब सारा जो भी बड़ी लिस्ट बताती है गंगा जी, मैंने सब उनकी शिक्षा दी गई, इनके विश्व बृहस्पति के द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा ये शिक्षित हुए आपके जो पुत्र है, अभी आपको मैं सौंप रही हूं, आप ले लो। ऐसे है भीष्माचार्य जी। इस तरह के भीष्माचार्य जी ऊर्ध्वेत योगी हो, तो ऐसे योगी महाराज को वहां पे रखते हुए हैं, ये दुर्योधन बोल रहे हैं आप सब मिलकर इनकी रक्षा करो। जब ये सुना भीष्मिवाभिरक्षंतु भवंत सर्व ये वही, तो भीष्माचार्य ने तभी सोचा कि ये तो पागल है, इनका प्रलाप का जो अंत नहीं हो रही है, और जैसे वो बात ऐसे कर रहे हैं पागल जैसे है, अभी इनको भी नहीं रोका, अभी तो डर गए, डर से बात कर रहे हैं। अब देखिए लोग आए हैं, भीष्माचार्य जी है इसीलिए, और ये कह रहे आप सब लोग भीष्माचार्य जी की रक्षा करें, तो ये बाकी लोगों को स्फूर्ति दे रहे हैं या स्फूर्ति बिगाड़ रहे हैं बाकी लोगों का? जो बिगाड़ के रख रहे हैं ना सबको, जो सबकी जो स्फूर्ति है उसको नाश करके बैठ रहे हैं, सबको पंचर कर दिया, डर पैदा कर दिया सबके मन में। देखिए इस स्थिति में इस द्रोणाचार्य जी को, दुर्योधन को एक बार उनको शेक करना चाहिए, शेक करके हिला के रखना है, तो ये तो ऐसे बात करते रहेंगे। और अभी पहला द्रोणाचार्य जी का पहला फर्स्ट विकेट डाउन कर दिया कि नहीं, वो कसेनापति, अब दूसरी विकेट कौन है? सभी लोगों को बोल रहे आप सभी लोग इनकी रक्षा करें, तो एक के बाद एक ये महाराज क्या कर रहे हैं, सब में जो स्फूर्ति है उस सबका स्फूर्ति को बिगाड़ के रखते हैं, रख रहे हैं, अभी डिमोरलाइज कर दिया। देखिए उत्साहहीन कर दिया सबको। उस समय भीष्माचार्य जी का एक ही कर्तव्य रहा, इनको एक बार जरा हिला के, इनमें जोश है जो बल स्फूर्ति है, स्फूर्ति देनी है इनको, इनमें जोश बढ़ाना है, तो इसीलिए पितामह जी आ गए, भीष्म पितामह तुरंत प्रवेश किया। कैसे, किस तरह से प्रवेश किया? तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्छैः शंखं धद्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छैः शंखं धद्मौ प्रतापवान्। एक बार गर्जना किया, सिंह गर्जन, तस्य माने दुर्योधन का, संजनयन हर्षम इनका हर्ष बढ़ाते हुए, अरे डरपोक डरो मत, अभी जोश बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, कुरुवृद्ध सबसे बड़े जो है
भीष्माचार्य जी पितामह भीष्माचार्य जी ने अचानक मन एकदम उच्च स्वर में ऊंची आवाज में सिंह गर्जन गर्जन किया एक बार, देखिए, और गर्जना किया, फिर अपने शंख लिया, फिर शंख बजाया, अपना शंख बजाया, शंखम दद्मौ प्रतापवान। देखिए तो दुर्योधन बैठे 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 पता नहीं क्या कर रहा है। तो जब शंख बजाया, गुरुदेव कहते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट वॉज कौरवास हू अटैक्ड पांडवास। अब देखिए अन्याय किसके प्रति हुई, किनके प्रति हुई, पांडवों के प्रति। अच्छा युद्ध करना है, युद्ध का आरंभ यदि करना है तो किसके द्वारा करना है, एक्चुअली पांडव लोग करना चाहिए पराक्रम, पहला आक्रम जो है पांडवों के करना चाहिए। क्यों, एक कुरु लोग, एक कौरव लोग, दुर्योधन आदि लोग जो है उन्होंने उनको धोखा दिया। अब यहां पे धोखा तो दिया, फिर युद्ध में पहला आरंभ भी इन्होंने किया कौरवास, द फर्स्ट बुलेट शॉट बोलते हैं ना, फर्स्ट बुलेट शॉट। देखिए तथा शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवत् ततः शंकाश्च भैर्यश्च पाणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवत् ततः देर आफ्टर। इसके बाद फिर भीष्माचार्य शंख बजाया तो बाकी सभी लोग अपने अपना तो शंख उठाया फिर बजाया, तथा शंकाश्च फिर नगारे डोल मृदंग जितने भी है तोमर और आदि पणवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त, माने एक साथ बजने लगे। देखिए सहसा एव अभ्यहन्यन्त, इनका इसका जो तात्पर्य महात्मा लोग कहते हैं कि तो बाकी जो बाजे हैं ना वो अपने आप बजने लगे, क्योंकि इनका जो सिंह गर्जना और शंखनाद से बताते हैं कि अपने आप बजने लगे, बजाने लगे सब सारे बाजे, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। क्योंकि अभ्यन्यंता का दो है, दो इसका जो व्याख्यान करते समय तो मैंने सहसा एव अभ्यन्यंता माने हर ओर से एक साथ बजाने लगे। तो ये एक साथ कैसे हुआ, इनके जो सिंहनाद है सिंह गर्जना और शंखनाद तो साथ में एक सहसा एव अभ्यहन्यंत सशब्दस तुमलो भवत तो तुमल नाद हुआ, माने हर जगह भयंकर प्रतिध्वनि के साथ बड़ा भयंकर ध्वनि वहां पे उत्पन्न हुआ शंखनाद के द्वारा। इसके बाद तो पहला कुरु लोग आज्ञा दे दिया युद्ध के लिए, तो दूसरे पक्ष वाले भी फिर इसका जवाब समाधान देना चाहिए ना। तो ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधद्मतुः ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधद्मतुः। मैंने एक महात्मा जी का अपने जीवन में उनका जो अनुभव हमेशा जो होता था अनुभव, इसके बारे में मैंने बता दिया। मैं याद दिलाने से कुछ लोगों को याद आ जाएंगे। मैंने सुना और किसी दूसरे महात्मा जी के द्वारा कि ऐसा एक महात्मा जी थे
और उन वो कहते थे सबसे कि देखो मैं अभी तक जीवन में पूरी गीता पाठ नहीं हुआ। बोले आप पाठ तो कर सकते हैं ना पारायण, क्यों नहीं करते? महात्मा जी बोले मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्या हुआ? बोलते हैं कि देखो मैं पहला अध्याय शुरुआत करता हूं, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्र, मैं जब यहां तक पहुंच जाता हूं ततश्वेते रहेर युक्ते ही महति स्यंदने स्थितो, माने आज शोभायमान रथ पर दोनों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए सफेद घोड़ों के साथ दिव्य रथ में बैठकर जब वे प्रवेश किया, उनका जो वर्णन आया है वो ऐसा अद्भुत रूप दोनों का सामने आ जाता है, दर्शन दे देते हैं, और दर्शन मिलने के बाद ऑटोमेटिकली सब शायंत, कुछ निकलता भी नहीं मुंह से, क्यों? दर्शन हो गया। अब आप पारायण पाठ करते किस लिए करते हैं? उन्हीं के दर्शन के लिए, हमको इधर ही हो रहा है इसलिए नहीं हुआ, पाठ नहीं होता। देखिए ऐसे महात्मा जी लोग भी है। तथा श्वेत ही हय ही युक्त ही, माने सफेद सफेद गोड़ों से युक्त और महती, उनका जो रथ का जो वर्णन महाभारत में आया है, इनका कितने साइज कितना का झंडा जो है इसके, इनकी लंबाई कितनी है और कौन बैठा रथ पर झंडा पे? हनुमान जी। और किस तरह से वो रथ चलती थी वहां पे महाभारत युद्ध में, युद्ध भूमि में, अच्छा वर्णन। तो यहां पे महतिस्यंदने ग्रेट चैरियट, द मैग्निफिशेंट चैरियट बोलता, शोभायमान, धक धक करके इनका, वो तो सोने से बनी हुई चांदी है, मैंने रथ था वो, तो ऐसे रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और पांच जो घोड़े हैं सफेद रंग के घोड़ों से युक्त महती, अच्छा बड़ी बड़े शोभायमान रथ पर बैठकर उनका जो प्रवेश हुआ माने दर्शन हुआ, स्थितो दोनों माधव और अर्जुन पांडव दोनों मिलकर अपने अलौकिक शंख बजा रहे, अलौकिक दिव्यौ शंखौ प्रदत्तमतो। अब देखिए क्या है, शम शंग में ना शांति, शांति, खम माने छिद्र, छिद्र खम, आकाश में खम बोलते हैं ना, खम खम माने छिद्र। तो शंख का क्या, क्या मतलब हुआ, शम खम यत्र, शम खम यत्र, महात्मा लोग बताते हैं जिसके छिद्र में शांति है, तो शंखध्वनि में ही शांति है, क्योंकि शंखध्वनि बाकी जितने भी ध्वनि हैं उन सबको शांत करा देती है, कर देती है शांत, एकदम सारे ध्वनि शांत हो जाते हैं। ऐसे जो ध्वनि है उसी को कहते हैं शंख ध्वनि। अच्छा अब अगले श्लोक में पढ़ के फिर आगे देखेंगे, पांचजन्यम ऋषिकेश, देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दध्मौ महाशंखम, भीमकर्मा वृकोदरः, अनंत विजयम् राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणि पुष्पकौ, काश्यस्य परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः,
दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दध्मुः पृथक् पृथक्। साथ में पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा मृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दध्मुः पृथक् पृथक्। अभी दूसरी बात है यहाँ पे। श्वेतैः हयैः युक्तैः हयान हय इन्द्रियाणि आहुः हयाः, हया माने इन्द्रिय। तो इंद्रिया इंद्रियों को हम कहते हैं अश्वान। देखिए है कि नहीं, इंद्रियाणि हया नाहुः कठोपनिषद। इंद्रियों को कहते हैं घोड़े। अच्छा, महात्मा लोग बताते हैं इस पर कि वे बोलते हैं कि देखो यहां पे रोक कर रुको बोलते, रुको और रुक कर ये सोचो, यह प्रश्न करो कि आपने जो इंद्रियां हैं उसके रंग सफेद है या नहीं। हमारी जो इंद्रियां हैं वे सफेद रंग में हैं या और कोई रंग में है। देखिए, सफेद माने निर्मल, शुद्ध, बिना कोई मल, निर्मल। मैं आपको ये यहाँ पे ये रथ में घोड़ों को कहते हैं इंद्रियां, है कि नहीं। जो बागडोर है वो है मन, जो सारथी है तो बुद्धि है, रथी बैठे है जो वो जीव है, रथ जो है शरीर है। इस पर थोड़ा ध्यान देने हम सबको। सारयति अश्वान इति सारथी, माने जो ये अश्व है, अश्वान माने इंद्रियां, ऋषिकेश माने इंद्रियों का संचालक, वो है ऋषिकेश। और जे अब यहां पे हमको कहीं पे भी जाना है, देखिए अब स्थूल रूप में इस जगत में हम जो भी व्यवहार करना चाहते हैं, कुछ भी कहें करना जाना है, कुछ भी करना है, करने से पहले देखिए तो उसकी तैयारी करनी है कि नहीं। कहीं जाना हो तैयारी करना है, खाना बनाना है तैयारी करनी है, और सोना है तैयारी करनी पड़ती है सोने के लिए भी। हर काम को करने से पहले उस काम के लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं। अच्छा, अब इधर देखो, दंड आ गया आज हाथ में, मैं सोच रहा हूँ कि कब आएगा ये। अब आप बाकी लोग जिनको ये इसके बारे में नहीं मालूम, नहीं जानते, अभी समय नहीं है इसके बारे में बताने के लिए, आप कृपया ऑफिस में या कहीं किताब हो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तैयारी, पहला स्थूल रूप में
जहां पर इंद्रिय बैठे हैं वहां तैयारी करना है कि नहीं, वहां किया तो यहां भी करना है कि नहीं, मन में भी छोटा से छोटा काम भी हो ये तो काम बिगड़ जाता है, यहां पे भी करना है, बुद्धि में भी। अब देखिए, अब शुरुआत कहां करें, हमारे हाथ में जो स्थूल रूप में जो आसान है करना वो क्या है, शरीर माने इंद्रिय। तो इंद्रिय जैसे भी इसलिए कहते हैं ना अपात्र दानम, अपात्र माने जो पात्र नहीं है उनको दान देने से क्या फायदा। तो यहां पे हमारे जीवन बस यही मूल सूत्र याद रखना कि हर काम के लिए काम करने से पहले उसके लिए तैयारी जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, तैयारी पहले कहां कहां से पहले शुरू, आसान है स्थूल रूप से। अच्छा, और माने इंद्रिया पहले, सबसे पहले, क्योंकि इंद्रिया जो है इंद्रिया पांच इंद्रियां यही हमको ले जाने वाली है आगे। अब ये बताओ, बुद्धि में आप सोचते हैं कि सत्संग जाना है, जब मन भी सोचा सोच लिया तो ठीक है मैं बुद्धि का साथ देता हूं आज, हाँ चलो ठीक है जाऊंगा, मगर शरीर ठीक नहीं है, तैयार नहीं है, जुकाम, दर्द, सर्दी, फीवर, ये हो, ज्वर आ गया, ज्वर। तो पहले सबसे साधना है इंद्रियों को पहले सफेद बनाओ। जिस रथ के इंद्रियां सफेद है उस रथ पर बैठकर सवारी करना, हाँ सबको अच्छा लगता है कि नहीं, और भगवान को बहुत बड़े मजा आएगा, बोल रहे सफेद इंद्रियां हैं मैं एकदम नई गाड़ी। तो पहले इंद्रियों को सफेद बनाओ। और दूसरी बात है, जो बागडोर है, बागडोर रेंज, उसको अच्छी तरह से घोड़ों को पहले एक और बांधना है, दूसरे और ये पांचे जो है चार पांच जो भी है एकत्रित करके किसके हाथ में देना है, सारथी के हाथ में। अब देखिए, यह हमें तीन है माने शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि, ये बल परंपरा में किसका बल ज्यादा होना चाहिए, कुछ तारतम्य इनका बुद्धि ज्यादा होनी चाहिए बल, बाद में मन का, बाद में अब उल्टा हो गया समझो, इंद्रियों का बल सबसे ज्यादा, थोड़ा कम मन, और मन से भी बलहीन कमजोर दुर्बल व्यक्ति बुद्धि हो गया। अब ऐसा जो रथ का कल्पना करो, रथ की कल्पना करो किस तरह से चलेगी रथ, जैसे घोड़े निश्चय करते हैं ना, तो बागडोर जो है डोरे कोई फायदा नहीं है, और दुबला पतला आदमी बैठा है रथ सारथी के रूप में, और घोड़े एकदम खींच लिया तो सारथी का क्या हालत होगी, उछलकर आगे गिरेगा, किसके आगे, घोड़े के आगे, और घोड़े क्या करेंगे फिर, आरती थोड़ी दे, पूजा नहीं करते घोड़े, उछल मचल करके छोड़ दे, रख देते उसको। यही हो रहा है, इसीलिए पहले इंद्रिय सफेद इंद्रिय, और जो बागडोर है रेंस भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में, भगवान को बिठाओ रथ पर सारथी के रूप में,
और रथ भी महतिस्यंदने, रुष्ट पृष्ट रथ, और इसमें जो जीव बैठा है, और बैठकर यह भी कहना है शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान को बिठाया सारथी के रूप में और हम भगवान की शरण ले ली, तब होगा काम, तब बनेगी बात। और दूसरी बात है भगवान कृष्ण जी का शंख का नाम क्या है, पांचजन्यम। यहां पर देखिए पांचजन्यम, तो पांचजन्य माने क्या है, देखिए पांचजन्य माने जनता, जनता ही पांचजन्य, जनता, जनता पार्टी नहीं, जनता, क्योंकि पांचजनाहा माने मनुष्याहा, पांचजन्या माने मनुष्याहा, पांचजन्या, तो पांचजनाहा माने दूसरी बात पांच आदमी, तो पांच आदमी माने पंचों की राय, पंचों की राय माने सबकी राय, बस ऐसे बोलते हैं ना। अब देखिए आप सुना कि नहीं पता नहीं, हर भाषा में कम से कम चार लोगों से, चार लोगों को कम से कम जीवन में खुशी रखो, कम से कम चार लोगों से तुम दोस्ती बनाओ, क्यों, तुम मर गया जब तेरे को चार लोग उठा के लेके जाएंगे, कम से कम मरने के बाद कम से कम चार लोग चाहिए तुमको शमशान ले जाने के लिए, कम से कम चार चाहिए। इसलिए कहते हैं कम से कम दुनिया में चारों से ठीक व्यवहार करो, कम से कम चार। अब आंध्रा में या साउथ में आप जानते हैं, पता नहीं आपको सब कल्चर की बात मैं कह रहा हूं, जो धोती पहनते ना ऐसा मोड़ के पीछे, क्या बोलते हैं उसकी हिंदी में, लांग, ठीक है। अब इसको देखिए एक्चुअली क्या बोलते हैं हमारे भाषा में, बता तेलुगु में बोलते उसको पंचकट्टू, कट्टू माने बांधना, पंच माने फाइव, माने फाइव फोल्ड्स, माने वो पहनकर जब पूजा में बैठते हैं आप यह संकेत दे रहे सबको कि मैं पांचों इंद्रियों से अभी विनिवृत्त हो गया हूं। अब घर वाले बताते हैं हमको बचपन में, देखो पापा जी या दादा जी जो भी है वो पंचकट्टू बांध कर बैठ गए, मैंने अभी बात नहीं करना, ये खोलने के बाद बाहर आता है कमरे से तब पिटाई करेगा सबका। क्या ब्यूटीफुल, देखिए ये पांच फोल्ड, 1 2 3 4 5 टंगांग अंदर कर दो और आगे भी पीछे बांध दिया, बांध दिया माने आई विथड्रू, ये है इसका संकेत। तो पांच जन माने मनुष्याहा, पंचजनाहा, पांचजना पांच आदमी माने भगवान श्री कृष्ण पांचों की राय लेते हैं, सो पांचों की राय को रखते हुए काम करते हैं भगवान। इसका मतलब क्या है, जनता की राय ही राय भगवान का जो शंख बजाते हैं, भगवान का मैंने भगवान किस तरह के शंख बजाते हैं, जनता की राय वही उसी शंख को बजाते हैं। पांचजन्य माने ये जो पांचजन्य का जो शंख है जब बजाते हैं माने ये विश्व के लिए है, धर्म के लिए है, लोगों के लिए है, सबके लिए है। भगवान ने शंख बजाया इसका मतलब प्रवृत्त हो गया, किस लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यही है इसका मतलब। हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल। देखिए तो ऋषिकेश, ऋषिकेश मैंने बता दिया आपको, तो इंद्रियों का संचालक, देखिए ऋषिकेश, देखिए वेदव्यास जी जो शब्द चुने उस पर आप ध्यान दे दीजिए, ऋषिकेश पांचजन्यम, और ऋषिकेश ने, ऋषिकेश का काम यह है
पांचों जनों का माने ये इंद्रियों का संचालक, इंद्रिय पांच है और हर में हर व्यक्ति में पांच पांच है और इंद्रियों की शांति के लिए ही काम करते हैं सब लोग, और इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि चाहिए। जो आप भोगते हैं, भोग भोग लेते हैं, और ये किसके लिए है? इंद्रियों की सुख तृप्ति के लिए ही है। मैंने हम लोग वेदांत क्लास में हमने देखा इससे पहले कि मन और वस्तु का बीच में संपर्क कभी नहीं होता। अब देखिए, मन में विचार आया रसगुल्ला खाने का, और खाया कौन, मन या इंद्रिय? इंद्रिय। पर मन तृप्त हो गए, सुबह क्लास में ऐसे पागल बना रहा हूं सबको, माने संपर्क नहीं है विषयों के साथ। तो हमारी तृप्ति कहां पर है? साधारण व्यक्ति का तृप्ति, इनकी तृप्ति कहां पर है? इंद्रियों की शांति में, तृप्ति में, तुष्टि में, पुष्टि में, उसी में है। तो इन ऐसे इंद्रियों का संचालक जो परमात्मा है, और उन्होंने जब शंख बजाया और उसका नाम, शंख का नाम ही पांचजन्य है, माने दुनिया के लिए। ऐसा फालतू शंख नहीं बजाऊंगा मैं, इसलिए बोलते हैं खुद का शंख मत बजाओ, बोलते हैं कि नहीं लोग, खुद का शंख माने खुद का जो ग्लोरी है, अपने शंख मत बजाओ, अपना शंख हम बजाते हैं, अपना शंख भगवान बना बजाते हैं, पांचजन्य। देखिए क्या अंतर है। तो इसीलिए तो पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम देवेन दत्तम इति देवदत्तम धनंजय, तो इंद्रदत्तम जो है अर्जुन का जो शंख है इसका नाम है देवदत्तम। और पौंड्रम, वो नाम भी भयंकर है, पौंड्रम मैंने पाउंडिंग बोलता हूं इंग्लिश में, मैं हमेशा बोलता हूं पाउंडिंग, पौंड्रम मैंने पाउंडिंग शंख। जब आप याद करो जब भीम जी गया वो वहां पे पुष्प लाने के लिए, द्रौपदी पूछी थी पुष्प, तो जब वो चला गया पहाड़ों में हिमालय में, वहां पे इनके साथ युद्ध हुआ कुबेर और उन सबके साथ, तो वहां पे युद्ध होने के बाद फिर हनुमान जी से पहले हनुमान जी का दर्शन होता है, तो हनुमान जी कहते हैं कि आप बताओ मैं क्या करूं, मैं तुरंत अभी उठकर कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर में प्रवेश करके एक ही मुट्ठी भर दुर्योधन के ऊपर सिर पे मारता हूं, बस वो वहीं पे मर जाएगा, ऐसा करूं? भीम जी बोलते ऐसा मत करो, मेरे बड़े भाई है, मैं यदि बड़े भाई होता तो परमिशन दे देता, इसका मतलब यही है मैं बड़े भाई नहीं हूं, वो तो है शांत स्वरूप है, वो बैठा है, वो गड़बड़ करेगा, इसे ऐसा मत करो। तो हनुमान जी एक वर देते हैं, तो ठीक है जब तुम गर्जना करोगे तुम्हारे गर्जन को मैं एम्पलीफाई कर देता हूं, करके बिना युद्ध लोगों को मार देता हूं, ठीक है? बोले ठीक है। इतनी तेज आवाज, और भीम खुद जब चिल्लाते हैं या गर्जना करते हैं लोग डर के मारे मर जाते हैं, इनके भीतर हनुमान जी भी बैठ के उसी शब्द को प्रतिध्वनि करके और 100 गुण 2000 गुण बढ़ा के सुना रहे सबको, क्या होगा? तो नाम देखो, पौंड्रम धधमऊ, पौंड्र नामक शंख को बजाया, भीमकर्मा वृकोदर, देखिए जो वृकोदर वृक जैसे जो फेट, तो ऐसा उधर वृक उधर वो जितना भी खाया खाते हो, वृकोदर भीमकर्मा माने भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन अपना शंख बजाया। इसके बाद देखो विदुषर जी का शंख का नाम दिया है अनंत विजयम, देखिए अनंत विजयम माने, देखिए जान से सुनिए, युधिष्ठिर जी का दूसरा नाम क्या है? धर्म, धर्मराज। अच्छा, और अनंत कौन होता है? परमात्मा, ठीक है। तो अनंत विजय माने सिर्फ भगवान कृष्ण की विजय के लिए ही काम करने वाला, कृष्ण की विजय माने धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, ये धर्मराज है। भगवान का क्या काम है? धर्म संस्थापनार्थाय, देखिए
और इनका संघ का नाम क्या है, अनंत विजयम, माने जो जीवन में धर्म के लिए ही जीता है और वो भी जैसे भगवान काम के लिए जीने वाला, ऐसे लोगों के हाथ में हमेशा अनंत विजयम करके ऐसा नाम वाली नाम वाला एक शंख होता है, शंख अनंत विजयम और विजय वाला है वो, मैंने कभी धर्म से ग्लानिर्भवती, धर्म का नाश कभी नहीं होता, ग्लानि हो सकती है, इसीलिए इनके हाथ में अनंत विजय, माने जो अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया और कहते हैं कि प्रभु मैं जी रहा हूं जीवन में बस सिर्फ आप ही के लिए, माने धर्म के लिए ही मैं जीता हूं, मेरा जीवन धर्म के लिए ही हो रहा है, व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहे देखिए ऐसे, इसीलिए धर्मराज का जो शंख का नाम दिया है अनंत विजयम, तो धर्म का विजय हमेशा, धर्म की विजय जो है हमेशा होती है, तो इसीलिए। और इसके बाद में नकुलः सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक अपने अपने शंख बजाया, फिर बाकी लोग माने महाधनुर्धारी काशीराज और शिकंडी दृष्टद्युम्न विराट सात्यकी द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और ये सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, देखो सौभद्रो महा ये सौभद्रस्य महाबाहु शंकान दद्मो पृथक पृथक, सब लोग अपने अपने शंख बजाया। अच्छा, तो पांडवों का शंखों का नाम दिया है ना, कृष्ण जी का शंख का नाम और युधिष्ठिर जी का, और देखिए कौरवों का नाम बताओ, शंखों का नाम यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि वो अधर्म वाले हैं ना, तो अधर्म लोगों का जो क्या नाम लेना है, यही इन्हीं का नाम। और ये धनी दो है, देखिए पहले आप इसमें देखो, सहसा एव अभ्यहन्यंत सशब्दत्तुम लोभवत, इट हैज क्रिएटेड रिसाउंडिंग साउंड, इको और रिसाउंडिंग एवरीवेयर, तो भयंकर तुमल शब्द हुआ जब कौरव लोग बजाया। अब पांडव लोग जो बजाया शंख, खास करके भगवान कृष्ण और भीम अर्जुन और युधिष्ठिर और नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पको अनंत विजयम, ये सब लोग, इसका प्रभाव क्या पड़ा, सघोषो धार्थराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन सघोषो धार्थराष्ट्राणाम। बस सघोष, ऐसा जो घोष ध्वनि, भयंकर शब्द गूंजते गूंजते आकाश और पृथ्वी के बीच में, और सभी धृतराष्ट्र पुत्र जो है माने कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, नस नस फट गए उस ध्वनि से, पता नहीं लगा लोगों को, हेमरेज हो गया, हेमरेज। ऐसा जो ध्वनि है, तुम लोग अनुनादयन सघोषो दात्राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, विदीर्ण कर दिया, सबको हार्ट ट्रबल आ गया, सुन नहीं सका। अब देखिए आप सोचते हैं कि ये तो कैसे है, एक थोड़ा एग्जाजरेशन है, अब बताता हूं, जो आरडीएक्स से बनी हुई जो बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब का मतलब क्या है बताओ, ये तो ध्वनि है, बम क्या है, साउंड है, साउंड ही इतना नुकसान कर सकता है, बम पटी मैंने बम क्या है, मैंने शब्द, ऐसा जो शब्द बम हृदयान वेदारयत होता है कि नहीं, सबको विदीर्ण कर देता है बम। अब ये ध्वनि जो है, अचानक जो ध्वनि, इनका दिन के ध्वनि जो है, हृदयानि व्यदारयत, एकदम डर गए, रुक गए, पाल्पिटेशन आ गए, नस नस, कुछ लोग ऐसे मर गए होंगे सुनते ही,
नमश्च पृथ्वीं चैव तुम लोग अनुनादयन्। और आकाश और पृथ्वी को गूंजता हुआ ऐसा जो ध्वनि है, इनके ध्वनि घोष सबका फिर एक बार हृदय को विदीर्ण कर दिया, सबका हृदय। इसके बाद तो क्या हुआ, ये है कंपैरिजन। दुर्योधन का मन का, मन की स्थिति है ना आरंभ में, और भीष्माचार्य जी किस तरह से बचाया उनको, जब उनका जो शब्द हुआ किस तरह से गूंज उठी उठा। और यहां पे पांडवों के पक्ष में जब सब अपना अपना शंख बजाया, उस शब्द का प्रभाव कैसे पड़ा कौरवों के ऊपर, ये हो गया एक कंपैरेटिव स्टडी। इसके बाद आगे क्या हुआ, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्थराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्थराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् अथ। इसके बाद व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान कपिध्वज दृष्ट्वा, माने ये सभी इन लोगों को देखा है अर्जुन। धार्तराष्ट्रान माने कुरुसेना, व्यवस्थितान माने अपने अपने जगह पे डटे हुए खड़े हुए सेना जो थी इनकी, और अर्जुन ने एक बार नजर लगाया, देखा एक बार। व्यवस्थितान धातराष्ट्रान दृष्ट्वा, देखने के बाद प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, और सभी सभी लोग अपने अपने धनुष और जो भी शस्त्र अस्त्र है उठा रहे। तो जब सभी उस शस्त्र उठाते समय सब लोग अपना अपना शस्त्र हाथ में ले लिया, क्योंकि दोनों तरफ से शंख बजाया, मतलब आरंभ की बात है, आरंभ होना चाहिए इतना ही। उस समय अर्जुन भी धनुरुद्यम्य धनुष उठाया। देखो अब तक अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं, अभी तक तैयार रहे हैं, थे तैयार युद्ध करने के लिए, लड़ाई को सामने सामने करने का, सबको मारने के लिए उत्सुक है, उत्साह है मन में, कोई डर गिर कुछ नहीं है, तैयार है। तो ऐसे जो व्यक्ति एकदम कोलैप्स हो गया, इसीलिए ना कई बार लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वास्तव में इस शब्द का प्रयोग के पीछे कोई इंपॉर्टेंस या कोई मतलब ही नहीं है। क्या है शब्द, अचानक, अचानक ऐसा कैसा हुआ मैं सुनते रहता हूं, अब सबसे मैं क्या बोलूं, समझिए अचानक मर गया, अचानक ऐसे हुआ, अचानक एक विचार आया, अचानक सोया अचानक तय कर लिया कि सत्संग में नहीं आऊं नहीं जाऊं, अचानक। तो अचानक जब बोलते हैं मैं क्या बोलता हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, नक निकाल देता हूं बस इतना ही, अच्छा अच्छा। वास्तव में अचानक कुछ नहीं है, मैं आपको एक समझा देता हूं आपको, व्हाट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड
ठीक है, मैं आपको और एक डेफिनेशन देता हूँ, तो अचानक हो जाए, देखो अचानक आ गया। यू नो योर इनेबिलिटी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉजेस एक्टिंग अपॉन एक्टेड अपॉन एन इंसिडेंट इज कॉल्ड एज एन एक्सीडेंट। Your inability to calculate the number of causes that have acted upon an incident is considered or called as an accident by ignorance. Wo hai accident? Your inability to calculate the number of causes that have simultaneously acted upon an incident or an event is called as accident by ignorance, because of the ignorance of the number of causes that are acting. वास्तव में इस तरह से आप देखा देखेंगे तो एक्सीडेंट भी नहीं है। आप मानते नहीं वो अलग बात है, तो अचानक कुछ भी नहीं होता। अचानक सुनामी आ गए, अचानक नहीं हुआ, तैयार हो रही थी 2 महीने 6 महीने 1 महीने 1 साल से पहले ही, धीरे धीरे मूवमेंट प्लेट्स मूवमेंट दिस वन दैट मूवमेंट अंदर, आपको दिखाई नहीं दिया। अचानक भूकंप आ गए, अरे अचानक कैसे होता है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, ना ना ना, बटर दूध मिश्री खा खा के 10-15 साल से सब हार्ट में सब भर गए, और ये एकदम बेचारे अंतिम क्षण तक वो खून अंदर हार्ट पंप करते करते एकदम बिल्कुल बंद हो गए तो क्या करे बेचारा। तो अचानक तो होता है क्या? इसलिए मैंने पहले दिन कह दिया, जब संजय जी का जो हुआ संदेश सुनाया, धृतराष्ट्र जी का संदेश, उस नेगेटिव संदेश विषपूरित जो संदेश था भेजा था, उसका प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ा? अर्जुन के ऊपर। तो गुरुदेव कहते हैं बिकॉज अर्जुन वॉज ए स्केप्टिक हाईली इंटेलेक्चुअल। हम देखो जो ड्राई इंटेलेक्चुअल है ना, उनको गिराना आसानी है, बड़े आसान से गिरा सकते हैं। एक अटल भक्त है, उसको गिरा के देखो वो गिरेगा नहीं। आप जितना भी लॉजिक दो, आप तंत्र देंगे, उसका मांडुक्य उपनिषद कार्य का भी सुना दो, सुनने के बाद जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय कुछ नहीं कर, अटल भक्त को कुछ नहीं कर सकते। ये इंटेलेक्ट है ना, ज्ञान मार्ग। तो स्केप्टिक गुरुदेव, ब्यूटीफुल, अर्जुन वाज अ स्केप्टिक। गिरा दिया, मिडिल विकेट गिर गया। पांडवों में मिडिल विकेट हुई है ना, मिडिल विकेट गिरा दिया। इसीलिए अचानक नहीं हुआ अभी, सो कॉजेस हैव बीन बिल्ट अप, धीरे 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 अंदर से चलते आई है सब, सुनामी के इफेक्ट। अब तो इधर धनुरुद्यमिया अपना धनुष बाण उठाया, देखिए व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान प्रभुत्वे शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। उस समय गर्व से, अर्जुन का गर्व था क्योंकि मैं कभी किसी से नहीं हारा, देखा, क्योंकि और मैं खुद हराया किसको, इंद्र को, और देवताओं के साथ मैं जीत लड़ाई किया, निवात कवचास के साथ लड़ाई किया, और साक्षात ईश्वर
रुद्र शिव जी के साथ में युद्ध किया, और मैं कभी भी जीवन में किसी भी युद्ध में हारा नहीं, तो हार माने मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। देखा इनका मन, मन का स्थिति, मन की स्थिति देखो, हार मुझे कहीं, हार मतलब मुझे नहीं मालूम। और इसे इसके साथ लगातार कंटिन्यू सक्सेस के कारण, विजय की प्राप्ति के कारण, और ये खुद है इंटेलेक्ट स्केप्टिक के कारण अहंकार बढ़ गया, और उस अहंकार से अब परीक्षा कुछ महात्मा लोग बताते हैं किस लिए कहा अर्जुन भगवान कृष्ण जी से कि रथ लेके जाओ उधर, बोलते हैं भगवान कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए। तो बोले कि देखो कृष्ण बन गया तो शस्त्र तो छोड़ दिया, प्रमाण किया कि मैं किसी शस्त्र उठाऊंगा नहीं, युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बढ़िया बात है, ठीक है। अब बन गए रथ सारथी और मेरे रथ पर बैठ गया, अब मेरे आज्ञाकारी हो या ना, चलो देखते हैं टेस्ट करके। और भगवान भी अजीब सा है, तो कभी बोलते हैं जहां प्यार है ना उन्हीं से परीक्षा लेने के लिए तैयार है, तो मुझे परीक्षा करना चाहते हैं तो मैं ले लेता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, मगर मेरे साथ जो परीक्षा का खेलना खेलो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी इस पर जो खड़ा है ये अर्जुन, सिर्फ अर्जुन और पांडव के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए खड़ा है। तो अभी तो एक प्रतीक है, सिंबल है, रिप्रेजेंटेटिव है। और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनिए, मन में गर्व रखते हुए और द्वेष रखते हुए यदि युद्ध किया तो वो युद्ध धर्म युद्ध कभी नहीं बनेगा, नहीं होगा। एक धर्म में ये ऐसे एक महात्मा जी का मैंने कहानी सुना था, तो ये महात्मा लोग बताते हैं बस ऐसे कहानियां। एक महात्मा जी थे एक गांव में, गांव में माने एक राज्य में, और बाकी जो लोग दुश्मन लोग हैं जो इनको प्रहार किया माने इस राज्य पर, तो इस राज्य के राजा हार गया, सब लोग हार गए, सब लोग, तो आखिर में तो सेना और राजा दौड़ते दौड़ते इनके पास गए, ये महात्मा जी के पास। ये महात्मा जी जानते हैं युद्ध विशारद थे पहले, ये जानते हैं युद्ध कुशल, कुशलता जानते हैं, कैसे युद्ध करना ये जानते हैं। तो इनके पास जाके बोले कि प्रभु बस हम सब हार गए, फिर आप ही है केवल इस राज्य को बचाने वाला, तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, राजा होते हुए मैं आपके पास आया हूं, तो हम आप सब प्रार्थना करते हैं हम इस राज्य को, हम सबको बचाइए इस दुश्मन से। तो वहीं पे जो बड़ा मुख्य दुश्मन है योद्धा वहां खड़ा है, तो महात्मा जी ने सोचा कि तो ठीक है मैं करूंगा लड़ूंगा करके उन्होंने अपने तलवार लिया उठाया, योगी थे तो गया युद्ध करने। और युद्ध करते करते समय वो दुश्मन तो हारते जा रहे हैं, बहुत चोट मार खाया, चोट खाया, और एक इस युद्ध में एक स्थिति में ऐसा पहुंच गया तो इस महात्मा जी ने उनको गिरा दिया जमीन पर, उनका जो अपना खट गए वो भी हाथ से निकल गिर पड़ा कहीं, ठीक है। और हाँ कुछ अभी शस्त्र नहीं है, हाँ खड्ग नहीं है, डोले कुछ भी नहीं है, डाल नहीं है, तलवार नहीं है, तो नीचे गिर गया। उस समय खड्ग को फिर उठाकर माने इस महात्मा जी ने बस एक ही व्हाट यू कॉल चोट से प्रहार से मारना चाहते हैं। उस समय जैसे उन्होंने क्या किया, ही स्पैट ऑन द फेस, खड्ग छोड़ दिया, महात्मा जी वापस आ गया। राजा बोले कि क्या हुआ, जब उन्होंने मेरे पर थूका अचानक मेरे मन में द्वेष का उदय हुआ, जब उस समय यदि मारता वो तो मरेगा मगर मैं, ये तो अधर्म युद्ध हो जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बोले देखिए तो आखिर में जो अपनी जीत की अहंकार जो है
जीत का अहंकार जो है ना, उसको मिटाने के बाद ही आदमी पवित्र हो जाता है, तभी पूर्ण रूप से उनको नियुक्त किया जाता है धर्म कर्म, धर्म मार्ग में और धर्म के काम में, विश्व कल्याण के लिए विश्व के काम में किसको नियुक्त किया जाता है भगवान के द्वारा? ऐसा जो आदमी है जिनमें कोई अहंकार भी नहीं है बिल्कुल, तभी निमित्त मात्रम भव सव्यसाची होगा ना, नहीं तो निमित्त कैसे बनेगा अहंकार रहते हुए? अहंकार को रखा तो निमित्त कैसे बनता है आदमी? इसीलिए उसी को भी फिर नाश करना चाहता है भगवान, तो इसलिए आज्ञाकारी बन गया, मगर सीधा कड़ा कर दिया दुर्योधन मैंने भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के सामने। यदि वही रथ दुर्योधन के सामने खड़ा कर दिया होता तो क्या हो सकता है, क्या होता था, क्या हो सकते थे? भगवान चतुर है, बोला कि तुम्हारा तो गर्व है ना, उसको पहले मिटाना चाहता हूं, थोड़े से कलमश मल बचा है उसको प्रक्षालन करके निकाल देके शुद्ध करके फिर बाद में युद्ध में तुम्हारा उपयोग करूंगा, इसलिए तेरे रथ पर बैठा हूं। हमारे गुरुदेव इतने शिष्यगण हैं, सेवक से है, सेविका से है, सारे कोई ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी लोग है, गृहस्थ लोग है, सन्यासी लोग है, सब उनके सामने हैं बैठे हैं, कोई सभी लोग प्रवचन प्रचार करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं, सेवा करते हैं, क्लासेस लेते हैं, क्या ये सब एकदम शुद्ध है क्या? फिर भी इनकी कृपा देखो। बोलो ठीक है, जैसे तुम इतना ही मौका दिया तो मैं उतना ही मैं प्रकट होऊंगा। बिजली बोलता है बिजली है ना, तुम 40 कैंडल बल्ब लगाया बस उतने ही तेज, उतना ही मेरा प्राकट्य होगा उसके द्वारा। 100 कैंडल लगाया ठीक है, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट रखोगे सामने मैं पूर्ण रूप से उपलब्ध हूं, मतलब प्राकट्य जो है मेरी प्राकट्य, दैट डिपेंडिंग ऑन उपाधि। तो इसीलिए जब ऐसा हुआ तो ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, भगवान कृष्ण जी की ओर देखा और अर्जुन ने कहा, तो क्या कहा कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।